गुड इवनिंग एवरीबडी लेट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे पिछले सप्ताह की उन सभी खबरों के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वीकली करंट अफेयर के माध्यम से हम कंप्लीटली सप्ताह के उन सारी खबरों को कवर करते हैं जिसके करंट अफेयर के नाम से जो आपका सिलेबस कवर होता है जो विद्यार्थी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, वे जनवरी वाले करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे और जिन दो जनवरी 2022 से लेकर तो लगभग 31 मार्च तक का करंट अफेयर पढ़ना जरूर चाहिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर उससे पहले दो मिनट का समय हम आपका लेंगे यदि आप अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ एमके लाइव हमारा रेफर कोड है अनएकेडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप इस रेफर कोड को यूज कर सकते हैं लक्ष्य बैच जो कि हिंदी माध्यम में 2024 के विद्यार्थियों के लिए लाया गया है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं पंद्रह दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 के लिए हमारा जो बैच आएगा वो फरवरी में आएगा जिसमें हम कवर कराएंगे जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर वन जीएस पेपर फोर 2024 के लिए लक्ष्य बैच एजुकेटर आप देख सकते हैं और सीसेट का बैच आज से शुरू हो चुका है यदि अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अभी भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस बैच को कंप्लीट किया जाएगा हमारे द्वारा एम के लाइव रिफर कोड इस बैच में यूज होगा और साथ ही साथ आपका सी सेट का कंप्लीट प्रिपरेशन मात्र एट थाउजेंड रुपीज के आसपास में आपको उपलब्ध करा दिया जाता है तो यदि आप सी सेट करना चाहते हैं तो यह क्लास पूरी रिकॉर्डेड भी रहेगी यदि आप अभी नहीं करना चाह रहे तो नौ महीने तक का आपको टाइम पीरियड इसमें मिलेगा आप अभी से लेकर अगले पूरे नौ महीने तक इसे अपने पास रख सकते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ ई का ऑप्शन है लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं डाउट सॉल्विंग के लिए आप एमके लाइव रिफर कोड यूज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं सी सेट का जो बैच है ये आज से आ चुका है और अभी भी आप इसे कंप्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं जी में अगर में अन एक नया सेंटर ओपन हो चुका है आइए खबरों पर ध्यान देते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्टेटस ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं कि भारत में अब एक नया दल राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर चुका है ग्रेटर ट्रिपल लेन ये भारत में फिर से छोटे राज्यों की मांग पर बातचीत है साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ई संजीवनी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में रिडक्शन इन द इंसिडेंट ऑफ स्टेबल बर्निंग मतलब इस बार जो पराली जलाने की घटनाएं वो कम हुई है और नया बिल आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल उन्नीस का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होने जा रहा है राज्यसभा में बिल आया है ंग्रेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरीज तराई एलिफेंट रिजर्व आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एक्सटेंशन ऑफ पीएम एम स्वनिधि स्कीम नेविगेटिंग द स्टोम रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी द बेस्ट वे टू मेक ए पर्सन सक्सेसफुल टू टू मेक मेक सिबल जवाबदेह उपराष्ट्रपति ने एक एथिकल मुद्दा काफी अच्छा पेश किया है कि यदि किसी व्यक्ति को सफल बनाना है तो उसको जवाबदेह बनाइए मिसलेनियस में घर पोर्टल देखेंगे कि ये क्या है वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन सबसे पहली खबर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल है 6 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ था ओपिनियन दिया गया एक तरीके से कि भारत में चुनाव को लेकर कौन कौन से आरोप लगते रहे हैं भारत में चुनाव के लिए किस तरीके की प्रक्रिया है और विशेष करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की बात है तो भारत में चुनावों में किस तरीके की समस्याएं देखी जा रही हैं और 2020 में चुनाव आयोग की जो समिति थी उसने क्या सिफारिशें पेश की थी इन चैलेंजेस को देखते हुए तो सबसे पहले तो भारत में आप ध्यान से सुनिएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है पॉपुलेशन के आधार पर क्योंकि डेमोक्रेसी में जियोग्राफिकल साइज़ का इतना महत्व नहीं जितना लोगों का होता है अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है जहां लिखित संविधान है लेकिन वहां की आबादी 30 करोड़ है भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास होने वाली है इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी में जब चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं तभी लोगों का विश्वास चुनाव पद्धति पर बना रहता है सरकार पर बना रहता है सरकार के कार्यों पर बना रहता है कहने का मतलब यह कि जब भी चुनाव होते हैं तो यह प्रक्रिया चलती रहती है 2023 में भी कई सारे इलेक्शन होंगे तो यह मुद्दा चलता ही रहेगा एक ही बार इसको प्रॉपर कवर कर लेना ताकि चीजें प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए चर्चा में क्यों भारतीय निर्वाचन प्रणाली में विद्यमान कमियां चुनाव सुधारों हेतु निर्वाचन आयोग की सिफारिशें समाधान और टीम एम के लाइव का विश्लेषण और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है यहां पर एक नई चीज हम अपने टीम से कहेंगे कि वो एक और चीज जोड़े कि यह मुद्दा किस पेपर का है तो मैं आपको बता दूं कि यह मुद्दा आपको पॉलिटी में जीएस पेपर टू के साथ जुड़ा हुआ है मेंस के लिए और प्रिलिम्स में यह मुद्दा आपके पॉलिटिकल क्वेश्चन राजव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों में भी रह सकता है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली कैसी संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है और इस संस्था के बारे में क्या चीजें हैं हाल ही में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान को लेकर चर्चा हो रही है मतलब एक तरीके से जानकार जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि भारत में चुनावों की क्या स्थिति है और कितने निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो यदि हम चर्चा की बात करें तो ये मुद्दा थोड़ा सा जब भी चुनाव होते हैं ना तब आता ही है तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो शांत रहेगा या फिर अचानक आएगा यह चलने वाला मुद्दा है तो इसलिए एक ही बार इसके सारे डायमेंशन हम कवर करते हैं सबसे पहले तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली में क्या क्या चैलेंजेस है हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है राजनीतिक अपराधीकरण का जो रिपोर्ट भारत के पास है जिसके अनुसार इस बार जो लोग संसद में चुनकर आए हैं उसमें 43 परसेंट लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज है दूसरा मतलब अपराधिक राजनीतिक अपराधिकरण में कई जगह तो राजनेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज और कुछ जगह तो अपराधी राजनेता है तो हमारे निर्वाचन पद्धति में एक बहुत बड़ा चैलेंज है राजनीतिक अपराधीकरण मैं ये भी कह सकता हूं अपराधी का राजनीतिकरण देखा जाता है अभी फिलहाल में फिर भी कम हो गया है लेकिन आप लोग जानते होंगे कि कई बाहुबली राजनीति में आए और राजनीति में सांसद और विधायक चुने गए जिसमें से कई लोगों को बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सजा हो पाई दूसरा अभी भी भारत में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पर कई प्रकार के आपराधिक मामले हैं दूसरा हमारे देश में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है भाई पार्टी का एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने इतने साल तक काम किया फिर उसके बाद वो इस पद पर बना फिर उसके बाद अगला पद फिर अगला पद ऐसा नहीं है कभी चापलूसी के आधार पर पदों को प्राप्त कर लिया जाता है कभी रिश्तेदारों के आधार पर कि यदि आपका किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ आपके रक्त संबंध है तो आप जल्दी पद को प्राप्त कर लेंगे भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भी देख सकते हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी उसमें भी लोकतंत्र नहीं है मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई पार्टी का पहले कार्यकर्ता बना वो फिर पार्टी में अध्यक्ष का पद उसको मिला लगभग चालीस वर्षों के बाद तीस वर्षों के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ लोग पार्टी में बने बनाए हैं चुनाव में जो खर्चा है वो भी लगातार बढ़ रहा है चुनाव आयोग ने पिंचानवे लाख कर दिया सांसद के चुनाव का खर्च अब पंचानवे लाख बहुत बड़ा खर्चा हो गया अब भाई ये गरीब आदमी अगर ईमानदार हो और अच्छा काम करने की इच्छा रखता हो तो वो कहां से बल के सामने टिक पाएगा बहुत बड़ा चैलेंज है तो अपराधीकरण का चैलेंज है पार्टियों में एक तरीके से मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी नहीं है चुनावों में बढ़ता धन बल और जब कभी कभी लगता है कि कोई काम नहीं करता तो साम दाम दंड भेद भेद की राजनीति है सांप्रदायिकता को बढ़ाने की घृणा वाले नफरती बयान देने की और खास करके दो जाति दो धर्मों के मध्य में किसी भी प्रकार की बातचीत करके लोगों को पोलराइज करने के भी तरीके ढूंढे जाते हैं मैं सुन रहा था कोई एक पार्टी है इसको पता वो कहता है कि मोदी जी और योगी जी के जाने के बाद हिंदुओं का क्या होगा मतलब ये पोलराइज ही तो कर रहा है भाई वो गरीब आदमी को नहीं लगता कि क्या मोदी जी और योगी जी के पहले भारत में हिंदू नहीं रह पा रहे थे मतलब ये पोलराइजेशन ऐसी मतलब नफरती बातें इसके माध्यम से लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं, निर्वाचन आचार सहित संहिता बाध्यकारी रूप से कानूनी रूप से कठोरता के साथ लागू नहीं हो पाती मतदाताओं में विशेषकर युवा जो वर्ग है मैंने वो भी देखा है कि जो युवा वर्ग है वो मतदान करनी नहीं जाता है की कम हो रही है कार्य प्रणाली पर कई बार प्रश्न खड़े किए गए हैं निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सरकार का तथा कथित हस्तक्षेप देखा जाता है कई बार निर्वाचन आयोग में संरचनात्मक कमियां क्योंकि उसके पास कोई प्रशासन नहीं है वो जो प्रशासन है उसी से अपना चुनाव कराता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल छोटे छोटे मुद्दे उठाकर अपने स्वार्थ के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जिससे देश में एकता और अखंडता का माहौल खराब होता है और हमारे देश की नंबर वन मीडिया नंबर वन मुझे कई बार लगता है कि विश्व में सब जगह की मीडिया नंबर टू है मुझे बहुत गर्व है मुझे बहुत ही गुमान है इस बात का कि मेरे देश की मीडिया नंबर वन है यह नंबर वन मीडिया भी कोई कमी नहीं छोड़ती बची हुई थोड़ी बहुत कमी जो है यह अपने एग्जिट पोल अपने चुनाव के पहले मतदाता के विचार ऐसे बड़े मुश्किल से पूछेंगे एक करोड़ अगर मतदाता हैं तो पूछेंगे 400 लोगों से और कहेंगे कि 70 परसेंट लोगों को ऐसा लगता है भाई एक करोड़ मतदाता में 400 लोगों के विचारों से क्या आप एक सटीक अनुमान निकाल सकते हैं? क्या जरूरत है मेरे हिसाब से ये जो नंबर वन मीडिया है ये नंबर वन मीडिया भी कोई कम नहीं है हमारे देश में चुनाव की प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने में और आजकल नंबर वन मीडिया जिसके बाद फिर फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक पॉइंट और लिखना चाहिए था हमारी टीम ने फिर हमारे देश में आजकल दो बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसने सारी यूनिवर्सिटी को फेल करके रखा हुआ है एक व्हाट्सएप और एक फेसबुक यूनिवर्सिटी है अब तो इंस्टाग्राम और ट्विटर यूनिवर्सिटी भी आ गई है ट्विटर यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी है इन यूनिवर्सिटियों का ज्ञान मतदाता को अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है कहने का अभिप्राय यह है कि ये भारतीय चुनाव से जुड़े हुए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और मैं आपको बता दूं कि आप जब कल के दिन आई बने तो आपको भी इन चैलेंजेस का सामना करना है तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली में जो चैलेंज है जो कमियां हैं वो मोटे तौर पर कुछ इतने प्रकार की है जिसमें राजनीतिक अपराधीकरण दलों में डेमोक्रेसी का, का ना इंटरनल चुनाव में बढ़ता धन बल, सांप्रदायिकता घृणा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कोई ये बताना नहीं चाहता है कि वो क्या करेंगे आने के बाद किस तरीके का वर्णन होगा निर्वाचन आचार संहिता का शिथिल क्रियान्वयन मतदाताओं विशेषकर युवा वर्ग की मतदाता की प्रति बढ़ती उदासीनता निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में सरकार का तथाकथित हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग में विद्यमान संरचनात्मक कमियां अथवा अस्पष्टता क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय हित के बजाय संकीर्ण प्रादेशिक हितों को प्राथमिकता और एग्जिट पोल के संदर्भ में भारत का नंबर वन मीडिया का विभेदकारी दृष्टिकोण क्या समाधान होना चाहिए वैसे तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चर्चाएं कही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने वक्तव्य में कहा था कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अपना कैंडिडेट बनाती है जिस पर राजनीतिक आरोप है अपराध है राजनीतिक अपराध से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि पार्टी किसी अखबार में ये प्रकाशित करे कि आखिर पार्टी ने उसी व्यक्ति को क्यों चुना और इस बात की भी स्पष्टता दे कि उन्हें कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पाया लेकिन इस पर भी मतलब एक तरीके से प्रॉपर चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए मजबूत कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्वाचन आयोग और स्वयं राजनीतिक दलों ने मैं कहूंगा कि यहां राजनीतिक दलों ने ही कदम उठाने चाहिए कि वह अपने पार्टियों में लोकतंत्र को मजबूत करें और उसके लिए जरूरी है कि वह पहले एक सीक्वेंस बनाए और सभी मतलब जिसे हम कहते हैं कि ऐसी चीजें ना करें जिसमें हम किसी एक व्यक्ति को केवल ब्लड रिलेशन के आधार पर पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश न करे तो ज्यादा बेहतर होगा चुनावों में बढ़ते धनबल के प्रयोग के लिए चुनावी चंदे संबंधी नियमों को ज्यादा क्लियर किया जाए प्रत्येक उम्मीदवार के हेतु एक समान नियम होने चाहिए जैसे दल का जो व्यक्ति होता है ना उसको पिचानवे लाख रुपए खर्च करने के अलावा पार्टी जो खर्च कर रही है उसकी छूट होती है जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए भी सभी जगह पार्टी का व्यक्ति हो या गैर पार्टी का व्यक्ति हो सभी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में वह कोशिश करे कि ऐसी चीजें सामने जब भी आती है तो खर्चे को कंट्रोल करें चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा राजनीतिक दलों के द्वारा जो खर्च होते वो भी जोड़े जाए सांप्रदायिकता घृणा आरोप प्रत्यारोप वही जो चैलेंज है इसको नियंत्रित करने की कोशिश करिए मतदाता विशेषकर युवा वर्ग की मतदान के प्रति बढ़ती उदासीनता को मजबूत करिए कि भाई आपको मतदान करना चाहिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और विद्यालय स्तर पर भी मतदान के महत्व संबंधी पहलुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में सरकार के हस्तक्षेप कम होने चाहिए निर्वाचन आयोग में कमियां जो भी है उसको दूर किया जाए रीजनल पार्टीज राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के समान स्पष्ट नियमावली का पालन करें स्वयं रीजनल पार्टी को भी अपने इस स्तर पर काम करना चाहिए और राजनीतिक दलों की मान्यता संबंधी नियमों को अधिक कठोर किया जाए ताकि आसानी से कोई भी व्यक्ति रीजनल पार्टी के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज ना करे और एग्जिट पोल को मीडिया में तभी प्रकाशित होना चाहिए जब चुनाव आ जाते हैं 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रणाली में सुधारों की रूपरेखा निर्मित करने के लिए कुछ सिफारिशें दी थी और इन सिफारिशों पर जनता की राय मांगी गई थी सबसे पहली सिफारिश थी थोड़ा नोट करना इंपॉर्टेंट है ये सत्रह वर्ष की आयु वाले भविष्यवर्ती मतदाता के लिए स्कूली लेवल पर ही आइडेंटिफाई मतलब मतदाता पहचान पत्र बन जाना चाहिए सरकार और निजी शिक्षण संस्थानों में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित किए जाए मतलब स्कूल और कॉलेजों में मतदाता पहचान पत्र बनाने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है मतदाता पंजीकरण के लिए वार्षिक स्तर की व्यवस्था की तिमाही आधार पर भी लागू किया जा सकता है निर्वाचन संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए चुनावों के संबंध में जन जागरूकता के लिए चुनावी कैलेंडर जारी किया जाए और चुनाव आयोग ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर भी जनता से प्रतिक्रिया मांगी यहां मैं केवल इतना कहना चाहूंगा ध्यान से सुनना यहाँ हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि रियालिटी में हमारे देश के लोगों में खास करके युवा में उनको पता है कि बिग बॉस में कौन कौन कंटेस्टेंट है उन्हें है इंडियन आइडल में इस बार कौन जीतेगा पर उन्हें नहीं पता कि उनके जिले में उनके तहसील में उनकी विधायिका में उनकी सांसदी क्षेत्र में कितने कैंडिडेट उतर रहे हैं उनकी योग्यता क्या है उनकी क्षमताएं क्या है क्या वो सच में काम कर पाएंगे और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कहने का अभिप्राय ये है कि हमें इसके लिए थोड़ा सा युवा वर्ग को मोटिवेट करना चाहिए हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने अपनी चुनाव सुधार संबंधी सिफारिश पर कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया है लेकिन जल्दी उम्मीद की जा रही कि सिफारिशें लागू हो सकती है उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में राजनीतिक अपराधीकरण धनबल बाहुबल का बढ़ता प्रयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के साथ ही मतदाताओं की उदासीनता जैसी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियां विद्यमान किंतु इसके बावजूद विश्व के सबसे विशालतम लोकतंत्र के रूप में भारत में स्वतंत्रता के बाद से कुछ अपवादों को छोड़कर निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन हुए हैं निर्वाचन प्रणाली में विद्यमान कमियों को दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति संसद द्वारा प्रभावी कानूनों का निर्माण और निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी संवैधानिक भूमिका का कुशलता से निर्वहन करते हुए दूर किया जा सकता है साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बढ़ाया जाए ताकि वह वर्तमान परिस्थितियों में निर्णय ले सके केंद्र सरकार सहित सभी राजनीतिक दलों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में मदद करनी चाहिए हमारे देश के नंबर वन मीडिया के साथ मतदाता को भी निर्वाचन प्रणाली में अपनी अपेक्षित और जागरूक भूमिका का, का निर्वहन करना चाहिए बाकी भारत के नए चुनाव आयुक्त का चुनाव हुआ था तब हमने चर्चा की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है निर्वाचन आयोग क्या है ता है कैसे बनता है सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं प्रश्न है विभिन्न सरकारों और चुनाव आयोग द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद विगत कुछ दशकों में भारतीय निर्वाचन प्रणाली में विद्यमान समस्याओं ने स्थायी स्वरूप धारण कर लिया है मतलब वो समस्याएं इट इज कई वर्षों से बनी हुई है इसके निराकरण के उपायों को रेखांकित कीजिए मुझे लगता है आसानी से आप अब आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं 2022 में प्रश्न आया था जीएस पेपर दो में आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है जवाबदेह बनाना रिस्पॉन्सिबल बनाना अकाउंटेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल बनाना अकाउंटेंट का मतलब होता है उत्तरदायी बनाना तो थोड़ा सा मुद्दा एथिकल जरूर है लेकिन आपको मजा आएगा सुनने में इसलिए थोड़ा चर्चा ध्यान से सुनिएगा जवाबदेही क्या होता है उत्तरदायित्व क्या होता है हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा के पिचत्तरवे बैच के प्रशिक्षुओं मतलब इंडियन रिवेन्यू सर्विसेस सबसे ज्यादा कमाई वाली के बेच को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने जवाबदेहिता रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व को स्पष्ट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहा उपराष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को सफल बनाने का सर्वोत्तम तरीका है उसे जवाबदेह बनाना जहां जहां दे आ रहा है अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबल अपारदर्शिता और पतन लाने का निश्चित तरीका है प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ शासन के साहसिक सुधारों ने प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बना दिया सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि समाज को कुछ लौटाने और लोगों की सेवा करने में निहित है आइए मैं आपको बता दूं कि जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जवाबदेहिता में क्या चीजें आती हैं समझिएगा प्लीज जवाबदेहिता मतलब अकाउंटेबिलिटी है सही है अंग्रेजी में और उत्तरदायित्व तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद मैंने गलत कर दिया था सुधार देंगे उसे अब जरा इधर ध्यान देना प्लीज जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है टॉपिक है ध्यान से सुनना जैसे मान लीजिए कि आप एक पद पर बैठे हैं मान लीजिए कि आप आईपीएस हैं और आईपीएस के पद पर होते हुए आप किसी क्षेत्र में दंगे वाले क्षेत्र में आप पहुंचे हैं अब मान लीजिए कि ऊपर से आदेश आया है ऊपर से आदेश क्या आया है कि आप वहां अभी कोई हस्तक्षेप ना करें लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया तो कुछ ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाएगी तो अपने पद और अपने वरिष्ठ के प्रति अपने सीनियर के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको कहते जवाबदेहिता जवाबदेहिता कानूनी बात को बताती है जवाबदेहीता नियमों को बात बताती है जवाबदेहिता में चर्चा की जाती है कि आपको कानूनी रूप में क्या करना चाहिए मतलब आपको जो आदेश आया है उस आदेश का पालन लेकिन उत्तरदायित्व बहुत बड़ी चीज है उत्तरदायित्व में नैतिकताओं का पुट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका सीनियर और आपकी वरिष्ठ के प्रति क्या जिम्मेदारी उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका उस पद पर रहते हुए एक नागरिक के प्रति नैतिक रूप से देश के संविधान के प्रति नैतिक रूप से आपकी क्या जवाबदेहिता है वो उत्तरदायित्व है जैसे मान के मान लीजिए कि आप आई की तैयारी कर रहे हैं तो आपने घंटे को 6 घंटे की पढ़ाई का टारगेट रखा अब मान लीजिए पिताजी ने पैसे देकर आपका एडमिशन कराया तो आपकी जवाब देता है कि आप रिजल्ट डे लेकिन उत्तरदायित्व है कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करें उत्तरदायित्व में नैतिकताओं का पुट होता है उत्तरदायित्व कानूनी रूप से कम लेकिन अंदर की अंतरात्मा से निकलता है वो कहता है कि नहीं ये मेरा मन मुझे इस काम को करने से मना कर रहा है या मुझे कर कह रहा है कि मैं ये करूं इसे कहते उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही था अकाउंटिबिलिटी अकाउंटिबिलिटी का मतलब है कानूनी रूप से लीगली आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है जिसे मान लीजिए कि मैं अनकेडमी पर सी सेट का कोर्स करा रहा हूं तो भाई मेरी जवाबदेहता बनती है कि मैं सी सेट का कोर्स कंप्लीट करवा दू आपको टाइम पर क्योंकि आपने फीस दी है मान लेते हैं लेकिन मेरा उत्तरदायित्व यह बनता है कि मैं सभी विद्यार्थी या प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक चीज समझाते हुए बढ़िया से पढ़ाऊ भले थोड़ा समय ज्यादा लग जाए क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा तेजी से कमेंट्स करिएगा दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि देहिता का क्या लेना देना है और उत्तरदायित्व का क्या लेना देना है

ताकि निर्धारित किया जा सके कि सरकार की पहल उनके घोषित उद्देश्यों को पूरा करती है या नहीं समुदाय को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है उन्हें लाभ पहुंचाती है या नहीं बेहतर प्रशासन और निर्धनता उन्मूलन में योगदान कर रही है या नहीं पर उत्तरदायित्व से तात्पर्य सरकार और अधिकारियों द्वारा अपने निर्णय कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान करना जनता और निगरानी का कार्य करने वाली जवाबदेही संस्थाओं के समक्ष इन निर्णय और कार्यों के औचित्य को प्रकट करना है उत्तरदायित्व का स्त्रोत सत्ता है जबकि जवाबदेही का स्त्रोत जिम्मेदारी है जवाबदेही का स्वरूप कानूनी होता है जबकि उत्तरदायित्व का स्त्रोत नैतिक होता है जवाबदेही अधीनस्थ की उच्च के प्रति होती है जबकि उत्तरदायित्व कार्य के प्रति आपकी जवाबदेही है कार्य आपने सच में सही किया या नहीं किया यदि आप कार्य सही ढंग से पूरा कर रहे हैं तो आप अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं लेकिन यदि आप केवल कार्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आप केवल जवाबदेहिता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं यदि कोई भी आ जब भी आप किसी पद को प्राप्त करें और केवल आप अपनी जवाबदेहिता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब आप केवल काम को पूरा करने पर ध्यान देते हैं उस काम की गुणवत्ता उस कार्य के प्रति आपके कर्तव्य या फिर उस कार्य को करने के पीछे के कारणों पर आपका ध्यान नहीं है आप बस खाना पूर्ति करने की कोशिश में लगे रहते हैं जब भी कोई कर्मचारी और सरकार खाना पूर्तियों पर ध्यान देती है तो केवल जवाबदेहीता को पूरा कर रही है लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने कार्य को अपना कर्तव्य मानते हुए उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है तो वह उसका उत्तरदायित्व निभा रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है जैसे माता पिता आपको जो चीजें देते हैं वो उनकी उत्तरदायित्व के प्रति देते हैं वो अपने नैतिकताओं के कारण करते हैं और जब आप अपने कानूनी रूप से चीजों को पूरा करते हैं तो उसे कहते हैं जवाबदेही था अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में नैतिकता ही उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जवाबदेहिता में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेहीता होनी भी चाहिए नैतिकता तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नागरिकों का अधिकतम कल्याण वंचित वर्ग तक सार्वजनिक सेवाएं, निष्पक्षता और पारदर्शिता पद अधिकार और शक्तियों का सदुपयोग संसाधनों का सदुपयोग समुचित वितरण और क्रियान्वयन के निष्पादन का मूल्यांकन ये सब कुछ जरूरी होते हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जब लोग सशक्त होंगे सेवा प्रदाता उत्तरदायी होंगे और नीति निर्माता जागरूक होंगे तभी जवाबदेही के लिए एक बेहतर वातावरण बन पाएगा तो जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व जीएस पेपर फोर एथिक्स में पूछा जाता है ये आइए अगली खबर पर आते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा वैसे मैं बता दूं कि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्मली आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल का क्राइटेरिया फुलफिल करती है अभी ऐसी चीज अपडेट नहीं हुई है लेकिन अखबारों में चर्चा है आप जानते हैं कि हमारे देश में सात नेशनल पार्टीज हैं राष्ट्रीय दल हैं सात राजनीतिक जो पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो एक आठवीं पार्टी के रूप में उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को नवी लिख रहे हैं कुछ लोग देखो मैं बता दे रहा हूं ये हमारे पास जो डाटा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसमें पहली जो दी है इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरी इन्होंने दी है बहुजन समाज पार्टी तीसरी इन्होंने जो दी है भारतीय जनता पार्टी चौथी दी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पांचवी दी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस और सातवीं दी है नेशनल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2018 का यह अपडेशन है तो अभी तक मतलब जब तक कि अपडेट नहीं हो जाता पूरी तरह से मेरे हिसाब से अभी तो हम यही मानेंगे जो कमीशन ऑफ भारत के कमीशन आयोग ने दिया है जैसे कि कुछ लोग शिवसेना कह रहे होंगे मेघालय की एक पार्टी का नाम दिया जा रहा है नेशनल पीपल्स पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी ये भी अपडेशन है कि भाई ये भी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है भारत की आठवीं लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ऑफिशियल डाटा भी हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं ये नेशनल पीपल पार्टी है जो मेघालय की मानी जाती है कि आठवीं राष्ट्रीय पार्टी और नवी आम आदमी पार्टी लेकिन इन दोनों पार्टियों का अभी तक अपडेशन नहीं है अभी तक अपडेशन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी तक ये शायद हो सकता है इस बार अपडेट हो जाए तो जब अपडेट आएगा तब चर्चा करेंगे ही लेकिन अभी हम बस वो चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी को भारत की नवी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा माना जा रहा है कि अभी ये बन गई है क्या होता है पहले तो एक राज्य स्तरीय पार्टी बनना हो अगर मान लो किसी भी पार्टी को किसी राज्य में मान्यता प्राप्त करनी हो क्या फायदा होता है भी पार्टी अगर नेशनल लेवल की बन जाए या स्टेट लेवल की बन जाए तो अगर नेशनल लेवल की बन जाए तो उसका चुनाव चिन्ह पूरे देश में एक जैसा हो जाएगा दूसरा राज्य स्तरीय बन जाए तो उस राज्य में एक जैसा हो जाता है जो नेशनल है वो राज्य स्तरीय तो हो रहेगी हमेशा दूसरा इनके खर्चे पार्टी के खर्चे चल जाते अलग से कैंडिडेट के खर्चे पंचानवे लाख तक की लिमिट होती है तीसरा इन्हें प्रस्तावक के रूप में कम लोगों की जरूरत पड़ती है साथ ही साथ प्रस्तावक के बाद इन्हें दो दो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची दे दी जाती है कई सारी सुविधाएं मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे इन्हें कोई ज्यादा सरकार या कोई अलग बेनिफिट मिल जाता है तो याद रखना राज्य स्तरीय पार्टी किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी अगर कहना है तो उसके लिए इन चारों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए पहला दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का तीन प्रतिशत या तीन सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया है जैसे मान लीजिए कि सौ सीटें हैं तो तीन सीट तीन प्रतिशत सीटें जीतनी चाहिए मतलब मैं कहूंगा कि लेकिन मान लीजिए कि साठ ही सीट है साठ ही तो साठ सीटों में तीन प्रतिशत नहीं फिर तीन सीटें जीतनी चाहिए जो बड़े जो बड़े राज्य होते हैं वहां पर तीन प्रतिशत और जहां छोटे राज्य होते हैं जहां विधानसभा सीटें सौ से कम होती हैं वहां तीन सीटें जीतना जरूरी है या, या लोकसभा के लिए वे आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में एक सीट पर जीत दर्ज करा दी या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वेद मतों के छह प्रतिशत मत प्राप्त किए हो तथा तो इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या दो विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो तो छह परसेंट मतदान और या तो एक सीट लोकसभा की या दो सीटें विधानसभा की जीती हो या राज्य में लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव में दल ने कुल वेद मतों के आठ परसेंट मत प्राप्त कर लिए हो एट परसेंट वैलिड वोट मिल गए हो केवल वैलिड वोट तो इससे कोई राष्ट्र की पार्टी नहीं बनेगा लेकिन उस राज्य की पार्टी बन जाएगा और अगर राज्य की जगह राष्ट्र की पार्टी बनना हो तो लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की दो प्रतिशत मतलब ग्यारह सीटें जीती हो वो भी ग्यारह सीटें एक जगह से नहीं कम से कम तीन अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों से ग्यारह सीटें जीती होनी चाहिए लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में चार अलग अलग राज्यों से कुल वेद मतों के छह प्रतिशत मत प्राप्त किए हो प्लस चार लोकसभा सीटें जीत ली हो चार अलग अलग राज्यों से या यदि कोई दल चार या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त कर ले तो वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और एजेंडा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के आधार में अंतर होने के साथ ही दोनों प्रकार के दलों के चुनावी एजेंडे में भी अंतर आ जाता है एक और राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीय महत्व के, के विषय को प्राथमिकता देता है वही दूसरा और क्षेत्रीय दल की कार्य प्रणाली प्रादेशिक हितों को सीमित करती है इसका एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों का दायरा समस्त और अधिकांश देश में होता है वही क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक क्षेत्र विशेष में ही होती है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के केंद्रीय विषय में विदेश नीति रक्षा आतंकवाद साइबर सुरक्षा वैश्विक परिप्रेक्ष्य जैसी बातें होती हैं। वही राज्य स्तरीय पार्टियां अधिक स्वायत्ता अधिक वित्तीय आवंटन जाति और धार्मिक समीकरण क्षेत्र विशेष का विकास भूमिपुत्र की अवधारणा भूमिपुत्र मतलब जिस जगह का है उनको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए ऐसे विचारों पर आधारित होती है कारकों के बावजूद दोनों प्रकार के दलों की प्रकृति में व्यापक अंतर है प्रणाली राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में हैं। ये प्रश्न इस बार 2022 में आया था मतलब जो केंद्रीय पार्टियां हैं वे ज्यादा से ज्यादा शक्तियां अपने पास लाना चाहती हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे अलग अलग राज्यों को ज्यादा शक्ति देना चाहती हैं आइए चर्चा करते हैं वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2022 स्टार लगा लीजिए भले ही यह जो टीआरपी वाली खबर नहीं है भले इस खबर पर ढाई तीन लाख व्यू नहीं आएंगे लेकिन ये सवाल आएगा ये कन्फर्म है और यही अंतर होगा कि वे टीआरपी वाली खबरों वाले जो लाल लाली हैं वो टीआरपी की खबरों में बने रहेंगे और जबकि सलेक्शन वाले विद्यार्थी ऐसी खबरों से रिजल्ट लेकर आ जाएंगे हमारे देश में उन्नीस में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था क्योंकि स्टॉक होम सम्मेलन उन्नीस सौ जून को वैश्विक स्तर पर आयोजित हुआ था स्वीडन के स्टॉक होम में और इस सम्मेलन में वादा किया गया था कि सभी सरकारें अपने देश के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाएगी आनंद फानन में भारत सरकार ने भी उन्नीस में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसमें हमारे देश ने पांच अनुसूचिया बनाई थी एक तरीके से कहे तो छह अनुसूचिया भी आ गई थी जिसमें हम कहेंगे कि पहली अनुसूची में उन जीवों को रखा गया जिनके शिकार करने पर कठोर दंड दिया जाएगा दूसरी अनुसूची में उन जीवों को रखा गया जिनके शिकार पर कमजोर या कम दंड दिए जाएंगे तीसरी चौथी पांचवी ऐसी अनुसूचिया बनाई गई ताकि हम जानवरों को वर्गीकृत कर सके कि किनका संरक्षण करना है और किनका नहीं लेकिन 2022 में बातचीत सामने आई कि एक्चुअल में अब हमारे देश में इन छह अनुसूची की जगह पर चार ही अनुसूचिया बनाई जाए और ये जो कम सजा और अधिक सजा के प्रावधान है इसको खत्म किया जाए हाल ही में राज्यसभा ने वन्य जीव संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है राज्यसभा में पारित हुआ है बिल अभी अभी अधिनियम बना नहीं है पर उन्नीस का अधिनियम है अनुसूची एक के तहत वह प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण मिलता है और इसे तो कठोर दंड है जैसे बंगाल टाइगर हिम तेंदुआ हिमालयन भालू कस्तूरी मृग गेंडा चिंकारा गोल्डन रंगूर ऐसे जीव हैं इनका शिकार करने पर सबसे कठोर दंड होता है अनुसूची दो में वह प्रजाति आए जिनके शिकार पर कम दंड दिया जाता है हिमालयन ब्लैक बियर उड़ने वाली गिलहरी भारतीय कोबरा किंग कोबरा जैसे अनुसूची एक दो में सम्मिलित प्रजातियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध किसी जानवर को राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन से अनुमति लेने के बाद ही मारा जा सकता है जो भी राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अधिकारी होता है उससे अनुमति लेनी होती है वह जानवर मानवीय आबादी अथवा फसल आदि के लिए खतरा बन गया हो अथवा वह जानवर किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जिसका इलाज संभव ना हो अन्य जानवरों में गंभीर संक्रमण हो सकता है तभी उन्हें मारने की अनुमति होती है अनुसूची तीन में नील गाय नीली भेड़ लकड़बग्गा अनुसूची चार में खरगोश फालकन नीलकंठ पक्षी ऐसी प्रजातियां सम्मिलित है जो संकट ग्रस्त अथवा लुप्त प्राय नहीं है लेकिन इनका शिकार प्रतिबंधित है अनुसूची पांच में वर्मी एनिमल को शामिल किया जाता है महोदय वर्मी एनिमल ऐसे एनिमल जिनका शिकार करने की सरकार अनुमति दे देती है चूहा, फ्रूट बैट और कभी-कभी कुछ राज्यों नील गाय भी बन जाती है और अनुसूची पौधों की है जिसमें सम्मिलित पौधों का व्यापार नहीं हो सकता एग्रीकल्चर नहीं हो सकता साइकस बेडडोमी, स्लीपर आर्किड रेड आर्किड ब्लू आर्किड मतलब जैसे कि आप ले लीजिए जो आ, हीरोइन मतलब मतलब हम कहेंगे गांजे के पौधे होते वो भी आप मतलब में रख सकते हैं अब जो संशोधन आ रहा है 2022 का वो क्या कहता है वो कहता है कि केवल चार अनुसूचिया होनी चाहिए विधेयक पहली और दूसरी अनुसूची को मिलाकर एक अनुसूची बनाएगा अनुसूची पांच को समाप्त किया जा रहा है भाई कि ये अनुसूची की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस अनुसूची में वर्मी एनिमल अब कोई वर्मी एनिमल नहीं होगा उसके जगह एक नई अनुसूची जोड़ी जाएगी इस विधेयक में प्रावधान है कि अनुसूची में वह प्रजातियां सम्मिलित होगी जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है जबकि अनुसूची दो में वह प्रजाति होगी जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण की आवश्यकता है और एक तीसरी अनुसूची जो बनने जा रही है नई अनुसूची उसमें हमने जो साइट समझौता अपनाया है कि भाई एक तरीके से इनडेंजर्ड स्पीशीज का व्यापार से कोई खतरा ना हो तो उन खतरों से बचाने के लिए ऐसी सूची जिन जीवों का व्यापार नहीं हो सकता हालांकि विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि विधेयक वर्तमान विद्यमान अनुसूची तीन और चार को एक प्रकार से समाप्त करता है किंतु इस प्रकार इसका उल्लेख विधेयक में अभी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है तो संशोधन होने जा रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि वन्य जीवों पर वैसी भी खबरें इंपॉर्टेंट बनती चली जा रही है ग्रेटर टिपरा लैंड बहुत आ, मतलब फिर से उम्मीद है कि राज्य छोटे राज्यों के लिए प्रश्न बनेगा त्रिपुरा राज्य के विभाजन के माध्यम से ग्रेटर टिपरा लैंड नामक एक अलग राज्य बनाने की मांग हेतु एक राजनीतिक दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया इस प्रदर्शन का आयोजन इंडियन इंडिजनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा नामक राजनीतिक दल ने किया त्रिपुरा एक जनजातीय बहुल राज्य इस राज्य में कुल 19 अनुसूचित जनजातिया है और त्रिपुरा के बारे में एक और बात बता दूं कि यहाँ बांग्लादेशी इतने आ चुके हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें यहाँ के लोकल लोग अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी बहुसंख्यक बन चुके हैं त्रिपरा टिप्रास ब्रू रियांग सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजातिया है शेष जनजाति में कुछ जनजातियों ने मिलकर ग्रेटर टिपरालिन नामक अलग राज्य के गठन की मांग की ताकि जनजातियों के विभिन्न हितों को संरक्षित किया जा सके देखो छोटे राज्य जो लोग कहते हैं कि भी छोटे राज्य उनका कहना होता है कि राज्य छोटा होगा तो सरकार सब तक पहुंच पाएगी प्रभावी निष्पादन हो पाएगा प्रशासनिक सुविधा हो पाएगी नागरिक कल्याण हो पाएगा और उदाहरण देते हो कि अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी में 50 राज्य हैं भारत के 140 करोड़ के आबादी में केवल 28 राज्य अन्य है तो जिनको मुख्यमंत्री बनना हो एक तरीका यह भी है शॉर्टकट मुख्यमंत्री बनने का नीतियों का प्रभावी निष्पादन और मूल्यांकन प्रशासनिक सुविधा प्रशासनिक दक्षता कानून और शांति की व्यवस्था करना सरल होता है अधिक तीव्र गति से विकास निर्जातीय समूह के मध्य पहचान के संकट की समस्या समाप्त हो जाती है सब एक जैसे लोग होते हैं भविष्य में नए राज्यों के गठन जैसी मांग नहीं होगी जब राज्य छोटा हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी गरीबी भुखमरी या शिक्षा जैसे मुद्दे छोटे राज्यों के गठन में आसानी से हल होते हैं ऐसा समर्थन देने वाले कहते हैं विरोधी कहते हैं छोटे राज्यों की मांग केवल राजनीतिक संकीर्ण नेतों से प्रेरित है जिनको मुख्यमंत्री बनना हो वह ऐसी मांगे रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए दो तरीके हैं पहला आप अपने बहुत अच्छे कार्यों से चीजों को बेटर कर सकते हैं या दूसरा तरीका है कि आप छोटे राज्य की मांग करके उसके लिए अपना एक राज्य गठन करा दीजिए और बनाने वाले आप ही बन जाए तो फिर मुख्यमंत्री आप ही बने उग्र क्षेत्रवाद इसके कारण छोटी छोटे पार्टियां और खास करके रीजनलिज्म बढ़ जाता है हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की बात पर फोकस करता है छोटे राज्य के गठन से खर्चे बढ़ते भाई फिर एक विधानसभा बनाओ फिर मंत्री पद फिर उनकी गाड़िया फिर उनके बंगले फिर एक सुप हाई कोर्ट बनाओ छोटे राज्य में तीव्र आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है अगर ऐसा होता तो क्या उत्तराखंड झारखंड बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्य अभी तक बेस्ट नहीं हो जाते प्रशासनिक सुविधा का तर्क भी गलत है कि ऐसा कुछ नहीं आजकल डिजिटल प्रणाली है आज के दौर में डिजिटल बेहतर सेवाएं हैं कुछ भी काम कितना भी बड़ा राज्य हो क्या कोरोना में हमारे पूरे देश में काम नहीं हो पाया आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करता है राजनीतिक मजबूती पर निर्भर करता है न कि छोटे आकार पर पंजाब और झारखंड भ्रष्टाचार और भ्रष्ट प्रशासन से ग्रस्त रहा केंद्र के समक्ष एकीकरण और नियंत्रण संबंधी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं फिर नदी जल सीमा और संसाधनों के आवंटन में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं तो दोनों ही तर्क हैं समर्थन वाले का भी तर्क रुख सुन लीजिए बाकी आपको यूपीएससी जैसे पूछती है तो वैसे ही जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे जो तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे क्योंकि पागलों के मुंह नहीं लग सकते तो जो पूछे वही बता दो उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि छोटे राज्यों की मांग मुख्यतः संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित होने के साथ एक वर्ग विशेष द्वारा की जाती रही है जिससे प्रशासनिक सुविधा विकास जैसे आवरण में पेश किया जाता है पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए नए राज्यों के गठन के संदर्भ में पहले जांचा जाए कि प्रशासनिक सांस्कृतिक आर्थिक कारकों के साथ भाषा देश की एकता अखंडता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखिए और जरूरत हो तो बनाइए केंद्र और राज्य सरकारों की नीति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो सके और ऐसा ना हो कि कोई एक क्षेत्र ज्यादा विकसित और दूसरा क्षेत्र रह जाए विभिन्न क्षेत्रों के मध्य सांस्कृतिक समरसता विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील और सहनशील बने रहे और भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को पुनर्निर्धारित करना चाहिए ताकि राज्य की आवश्यकताएं पूरी हो और राज्य सरकार बढ़िया से काम कर सके हाँ साथ ही राजनीतिक दलों को इस बात को समझना चाहिए कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है इसे नष्ट ना किया जाए और राजनीतिक दलों को राष्ट्रवादी आंदोलन देसी रियासतों के एकीकरण के ऐतिहासिक प्रसंग से शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अफ्रीका जैसा महाद्वीप छोटे छोटे देशों में टूट गया तो उसका परिणाम कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत विकास कर लिया है ज्यादा जरूरी है कि इच्छा शक्ति अगर अच्छी है तो देश में बदलाव लाए जा सकते हैं अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाई जैसे जनपद तालुका को विभाजित कर देती है क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे 200 शब्दों में लिखना था विवेचना करना थी अब आप बता सकते हैं समर्थन विरोध और फिर एक विश्लेषण और इसमें कई सवाल बन सकते हैं छोटे राज्यों को लेकर कई सवाल बनते रहे हैं बनते रहेंगे ज्वलंत मुद्दा है ये छोटे राज्यों का गठन भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है राज्यों का छोटा आकार विकास की कुंजी नहीं विश्लेषण कीजिए छोटे राज्यों के गठन की मांग प्राय विकास के बजाय संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित होती है स्पष्ट कीजिए भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग हाथी के दांत वाली कहा तक, कहावत को चरितार्थ करती है दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और चाहते हैं अपने आप को मंत्री पद दिलाना फिर एक बड़ी खबर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी एनडीएमसी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित बैठक में भविष्यवर्ती चक्रवातों से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए प्रू और पश्चातवर्ती चक्रवात प्रबंधन उपायों पर चर्चा की गई याद रखिएगा ये कमिटी हमारे देश में जो भी आपदाएं आती है लैंडस्लाइड की हो भूकंप की हो चक्रवात की हो बाढ़ की हो सूखे की हो सर्वोच्च अथोरिटी है भारत सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी है प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और राहत उपाय संचालन कृषि सचिव द्वारा भी समिति को जानकारी और मार्गदर्शन संबंधी सहायता दी जाती है आप जानते हैं कि हमारे देश में जो चक्रवात है खास करके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उठते हैं यहाँ कम यहाँ ज्यादा हर साल अब इनकी आवृत्ति बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं और दो प्रकार के चक्रवातों में जो दूसरा शीतोष्ण चक्रवात है वो विनाशकारी नहीं होता लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं अलग अलग नामों से जानते हैं दक्षिण चीन सागर में टाइफून कहते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं हम लोग चक्रवात कहते हैं अमेरिका वाले हरिकेन कहते हैं ऐसे कई अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आते उसका सबसे बड़ा कारण है व्यापारिक पौने गर्म पानी जहां होगा वहीं पर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में तीव्रता भी ज्यादा और चक्रवातों की संख्या भी ज्यादा बंगाल की खाड़ी में मौसमी दशाएं चक्रवातों के विकास के अनुकूल सागरीय जल अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते निम्न वायु दाप का केंद्र अधिक मजबूती से विकसित होता है चक्रवात चेतावनी केंद्र चक्रवात की पहचान करना चक्रवात के अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थिति का निर्धारण करना और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र में चक्रवात की दूरी का निर्धारण करके पहले से ही आगाह करना क्योंकि सैटेलाइट से दिख जाता है कि चक्रवात अभी हिंद महासागर में कहाँ पर है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो आइडिया लग जाता है तो चक्रवात चक्र चेतावनी केंद्र पर जानकारी पहुंच जाती है और फिर कंटिन्यूअसली लोगों को सूचित किया जाता है चक्रवात पूर्व प्रबंधन क्या है कि चक्रवात आने से पहले जगह खाली कर दीजिए वहां पर कोशिश करिए कि कोई भी मनुष्य का उपस्थिति ना रहे चक्रवात के जाने के बाद वहां पर तेजी से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए तो चक्रवात पूर्व प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण और निर्धारण समय रहते चेतावनी संदेश जनता तक पहुंचाना प्रभावित होने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना जन जागरूकता राहत कार्यक्रम संबंधी जानकारी देना और जोखिम को पहले से मेजर करके रखना बाद में चक्रवात आने के बाद आपदा में फंसे लोगों की खोज बचाव कार्य ईमानदारी के साथ त्वरित राहत कार्य समुचित चिकित्सा सहायता अस्थाई शिविरों की स्थापना संचार तंत्र की पुनर्व्यवस्था भोजन तथा पेय जल की व्यवस्था स्थाई मकानों में पुनर्वास और पर्याप्त आर्थिक सहायता महामारियों के फैलने से बचाव के उपाय मतलब उसके बाद फिर हमें भोजन का प्रबंध करना चाहिए क्योंकि उन लोगों का सब कुछ उजड़ गया है वहाँ देखना चाहिए कि कोई बीमारी ना फैल सके पानी के कारण जमा होने के कारण वहाँ का संचार तंत्र जितना जल्दी हो सके सुधारा जाए और अगर कोई व्यक्ति फंस गए हैं तो जल्द से जल्द बचाया जाए चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जाए टेम्प्ररी शिविर बनाए जाए ताकि तब तक उन लोगों को सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है और हवा की गति के आधार पर चक्रवातों का वर्गीकरण अगर हवा की गति 90 से 125 है पीला रंग नारंगी 125 से लाल रंग एक और मेहरूम 280 किलोमीटर प्रति घंटा 280 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब आप सोचिए बुलेट ट्रेन की स्पीड से हवा चल रही है बुलेट ट्रेन की उसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो किस स्पीड से वो जाकर गिरेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्र के मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए 2022 में ही आया था सवाल आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा जैसे कि आप सभी लोग वाकिब है हमारे देश में आरबीआई मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन करने वाली मुख्य संस्था है लेकिन मौद्रिक नीति का निर्माण मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी करती है महोदय मौद्रिक नीति का निर्माण हमारे देश में एक समिति करती है जिसमें तीन आरबीआई के तीन भारत सरकार के लोग होते हैं 2016 के पहले आरबीआई ही मौद्रिक नीति का निर्माण करती थी क्रियान्वयन भी करती थी और निगरानी भी रखती थी लेकिन अब निर्माण का काम कमेटी करती है और क्रियान्वयन और निगरानी का काम आरबीआई करती है मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में तरलता को बढ़ाने घटाने की कोशिश की जाती है तरलता को नियमित नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है तरलता का मतलब है रुपए कहीं पैसों का अचानक प्रवाह ना बढ़ जाए जिससे महंगाई बढ़ सकती है पैसों का प्रवाह कम ना हो जाए जिसके कारण मंदी आ सकती है तो इन सभी कारकों को देखते हुए कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है और अगर कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दरें बढ़ रही हो तो इसका मतलब देश में महंगाई के संकेत है उसे कम करने के लिए आरबीआई ऐसे कदम उठाने को सजेशन देती है और यदि लग रहा हो कि ब्याज दरें घटाई जा रही है तो इसको कहते हैं सॉफ्ट मौद्रिक नीति जिसके तहत तरलता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कठोर मौद्रिक नीति को मुद्रा संकुचन नीति भी कहते हैं और सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को मुद्रा प्रसारण की नीति भी कहते हैं हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई और समिति ने मौद्रिक नीति की अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की है मतलब होती रहती हर दो महीने में आता है दो हजार के लिए अपने सकर घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान सात से घटाकर छह की उम्मीद है वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सात दशमलव एक प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए पांच दशमलव नौ प्रतिशत अनुमानित है मतलब 2023-24 अब आने वाले समय की बात कर रहे हैं मतलब ये चलेगा अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 2023 ये उम्मीद है कि 7.1 परसेंट से हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा जुलाई अगस्त सितंबर में 5.9 से पर अभी आने वाले टाइम में उम्मीद है ऐसे। और हेडलाइन इन्फ्लेशन 7 परसेंट का पूर्वानुमान पर रहेगा मतलब महंगाई 7 परसेंट की रहेगी हेडलाइन देखेंगे क्या होता है ये रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर पहले फाइव पॉइंट नाइन था लाल लाल यू अब सिक्स पॉइंट टू फाइव कर दिया है इसे कहते पैतीस अंक मतलब बेसिक पॉइंट पॉइंट थ्री फाइव इंटरेस्ट रेट सॉरी <laughs> याद रखिएगा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मौद्रिक नीति में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो केवल रेपो रेट घोषित करती है केवल रेपो रेट बाकी सब उसके आधार पर निकाले जाते हैं और स्थायी जमा सुविधा को मतलब फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी को छह परसेंट कर दिया गया है यह मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के तहत इस समय मेंबर ये आरबीआई के तीन मेंबर हैं और ये भारत सरकार ने नॉमिनेट किए हैं और 2016 में बनाई गई थी ये कमेटी तो अब मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति समिति बनाती है और वो रेपो ही जारी करती है ब्याज दरों का निर्धारण तीन मेंबर आरबीआई के तीन मेंबर गवर्नर भारत सरकार से भेजाते हैं गवर्नर जो होता है समिति का पदेन अध्यक्ष होता है डिप्टी गवर्नर उस समिति का प्रभारी मतलब इंचार्ज होता है इसका मेन मकसद है इंटरेस्ट इनका मेन मकसद है तरलताए महंगाई को संतुलित करना मतलब कीमतों को स्टेबल बनाए रखना आर्थिक वृद्धि भी तय करना तो इन्होंने एक महंगाई का टारगेट बना के रखा है फोर प्लस माइनस टू कहते हैं या उसको दो से छह प्रतिशत भी कहते हैं ये पांच वर्ष के लिए टारगेट डिसाइड करते हैं कि भाई हम अगले पांच वर्ष में महंगाई इतनी रहने देंगे जैसे हमारे देश में 31 मार्च 2026 तक के लिए ये महंगाई का टारगेट तय हो चुका है और कौन सा सूचकांक महंगाई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इतना होना चाहिए 2017 का सवाल है मौद्रिक नीति कमेटी के बारे में कौन सी बातें सही है यूपीएससी ने पूछा था और उसका कारण है क्योंकि 2016 में कमेटी बनी थी एक तो बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है पहली बात बिल्कुल सही है बारह नहीं मेंबर की है तो दूसरा तो गलत है केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता नहीं होती आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता होती है नेविगेटिंग द स्टार्म रिपोर्ट हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के विकास के संदर्भ में नेविगेटिंग द स्टॉर्म नामक रिपोर्ट जारी किए वर्ल्ड बैंक ने किए थोड़ा चर्चा का मुद्दा है 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था छह दशमलव नौ प्रतिशत तक की बढ़ने के अनुमान है चुनौतीपूर्ण बाह्य परिस्थितियों के प्रति भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से लचीली रही है मजबूत समष्टि आधार ने इसे अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था की तुलना में अच्छी स्थिति में रखा है देखो विश्व के कई सारे जो अर्थशास्त्री है उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि भारत में इतना बड़ा कोरोना की लहर रही लेकिन भारत ने बहुत जल्दी रिकवरी की मुझे उसके पीछे जो बड़ा रीजन लगता है भाई मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं लेकिन इतने विषय पढ़ाने के बाद मुझे जो लगता है एक्चुअली हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ त्यौहार आते ही रहते हैं पूरे साल भर में हमारा देश त्योहारों से भरा पड़ा रहता है तो हमारे जो पूर्वज इन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को गढ़ा है कि झटके आते रहेंगे लेकिन वो संभल जाएगा तो जैसी मान लो कि जनवरी अब आ रहा है तो नया साल फिर महीने डेढ़ महीने के बाद होली आ जाएगी होली के बाद फिर अक्षय तृतीया आ जाती है उसमें कुछ लोग खरीदारी करते हैं फिर उसके बाद महीने डेढ़ महीने माहौल शांत रहता है फिर इसी में हिंदू धर्म के साथ साथ अब भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो अब इस समय क्रिसमस भी मनाने लग गए हैं तो क्रिसमस भी आएगा फिर मुस्लिम धर्म में ईद भी आप सेलिब्रेट करते हैं ठीक ठाक और फिर चौदह फरवरी भी कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं मैं समझ गया था आपका दिमाग कह रहा होगा तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में साल भर त्योहार आते ही रहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है मार्केट में अगर शांति भी है तो माहौल बन जाता है और यही कारण है कि हमारे देश में बहुत बेहतर तरीके से चीजें हो जाती हैं भारत एक बड़ा घरेलू बाजार अपेक्षाकृत कम अंतरराष्ट्रीय प्रवाह के संपर्क में भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त 2023 में कम वृद्धि का अनुभव करेगी फिर ई संजीवनी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी द्वारा आठ करोड़ टेली परामर्श प्रदान किए गए मतलब एक टेलीमेडिसिन याद है ई संजीवनी शुरू की गई थी कोरोना में जो कि अब रिकॉर्ड बना लिया कि आठ करोड़ लोगों को परामर्श दिया इसके माध्यम से दो में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ई संजीवनी एक सेवा वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन सेवा है कोरोना काल में भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों ने इसे प्लेटफॉर्म पर अपनी ओपीडी सेवाएं दी थी संजीवनी दो प्रकार की सेवाएं देता है डॉक्टर से डॉक्टर रोगी से डॉक्टर पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी कल्याण मंत्रालय मंत्रालय का नाम याद रखना पीएम स्वनिधि योजना 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है पहले यह योजना 22 तक के लिए ही थी 2020 में केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम दस हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना यह ऋण कारोबार को शुरू करने में मदद करता है ऋण आसान शर्तों के साथ दिया जाता है बिना किसी गारंटी के ऋण पर अनसिक्योर्ड ऋण होता है और सरकार ने इसके लिए बैंकों को पांच हजार करोड़ रुपए की राशि बातचीत कही है स्ट्रीट वेंडर्स किन्हीं कहेंगे जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत किया गया है जिन लोगों के पास स्थायी दुकान नहीं होती जो किसी सार्वजनिक निजी स्थान पर बने हुए स्थायी ढांचे से जगह जगह घूमकर आम जनता के लिए रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु सेवाएं पेशकश करते हैं मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता इनका देश में कुल शहरी अनौपचारिक रोजगार में चौदह परसेंट योगदान कृषि के बाद स्ट्रीट वेंडर्स का है तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर को वर्ष दो में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तुंगारेश्वर एक पहाड़ी पटार है जो मुंबई की उपनगरीय क्षेत्र विरार और वसई के बीच स्थित है पिचासी वर्ग किलोमीटर फैला अभ्यारण्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तानसा वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा बनाता है उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक किलोमीटर के पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण की अनिवार्यता से तुंगारेश्वर वन्य जीव को छूट दे दी इसलिए चर्चा में आ गया मतलब कहा कि भाई देखो ये क्षेत्र वैसे भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसे एक किलोमीटर का संवेदनशील क्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य उन्नीस के वन्य जीव कानून के तहत राज्य सरकार घोषित करती है एक विशिष्ट प्रजाति के लिए भी घोषित किया जा सकता है मानवीय गतिविधियां और पर्यटन की अनुमति किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क अथवा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेनी होती है घर पोर्टल हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के पुनर्वास और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए घर गो होम एंड रि पोर्टल लॉन्च किया रिसेंटली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द घर गो होम एंड रि पोर्टल टू डिजिटली ट्रैक द रिहेबिटेशन एंड रिपी ऑफ चिल्ड्रन मतलब जिन बच्चों का एक तरीके से मान लो कहीं से उन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया गया तो फिर उन्हें घर भेजने के बाद उनके साथ क्या हुआ इसको डिजिटल, ट्रैक करना। या पोर्टल उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में है जिन्हें दूसरे देश राज्य जिले में वापस भेजा जाना है इसके तहत बाल कल्याण समितियों को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूची प्रदान की जाएगी जिससे वे बहाली के समय बच्चों की योजनाओं से जोड़ सकेंगे तराई हाथी रिजर्व हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधुआ पीली पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है ये भारत का तैतीसवा हाथी रिजर्व होगा और लगभग तीन हजार तीन हजार उनचास वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तराई को दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा इससे चार जंगली प्रजातियां बाघ हाथी स्वयं डियर और एक सिंह वाले गेंडे का भी संरक्षण होगा जिसमें किशनपुर और करतीना या घाट वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है तो ये जो चर्चा में इनके नाम थोड़े याद रखिएगा इसकी स्थापना से मानव हाथी संघर्ष शमन रणनीतियों को लागू करके भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा में सहायता मिलेगी और इससे सीमा पार प्रवासी हाथियों की आबादी के संरक्षण में मदद मिलेगी यह घास के मैदान और गलियारों के रखरखाव के प्रबंधन के मामले में दोनों टाइगर रिजर्व के लिए भी लाभदायक होगा भारत की साइबर सुरक्षा एम्स अटैक मतलब अभी खबर आ रही है कि हमारे देश में साइबर का डाटा पांच रुपए की दर से बिक रहा है साइबर सुरक्षा का खतरा हर बार बढ़ रहा है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्वलंत है और मुझे लगता है मैं इसको कई बार आपको करवा चुका हूं साइबर अपराध क्या है साइबर अपराध के प्रकार उसकी श्रेणियां उसके कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि साइबर सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है इसके लिए मैंने चौथी सेना की बात कही थी अब हमारे देश में चौथी सेना की जरूरत है वीकली करंट अफेयर तीन अगस्त से बारह सितंबर वाला जो लिया था जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी को बहुत विस्तार से पढ़ाया है साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है इसी बार 2022 में सवाल आया था और हमारी टीम ने आप लोगों को संभावित प्रश्न दिया था कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें पराली जलाने की घटना वर्ष दो की तुलना में कमी एक अच्छी खबर है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनसीआर में पराली जलाने की घटना 2021 की तुलना में 2022 में लगभग इकतीस दशमलव पांच परसेंट की कमी एक अच्छी खबर है बाकी पराली स्टबल जो मैंने एक बहुत विस्तार से क्लास ली थी और बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा था 26 अक्टूबर से इकतीस अक्टूबर के टाइम पीरियड में आप इसको जरूर कवर कर लेना हाल ही में राज्यसभा के नए सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ जी अब उपराष्ट्रपति रह चुके रहे हैं तो अब वो तो सभापति रहेंगे दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया पेरू

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य का मेजबान करेगा तो गोवा दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति में रेपो रेट 6.25 परसेंट वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत की 22 तेईस के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 6.9 परसेंट का है 2022 तक चीन अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाएगा तो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा संयुक्त अरब अमीरात बारहवे विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान फिजी देश रहा हिंदी सम्मेलन को नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है ये कौन सा चक्रवात हाल में दक्षिण राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ तो मंडोस बाकी रिवीजन करते चलिएगा और सी सेट का बैच स्टार्ट हो चुका है उसे मिस मत करिए आज पहली क्लास थी अभी भी आप उस रिकॉर्डेड कंप्लीट कर सकते हैं और उसको आप नौ महीने के लिए सिक्योर कर सकते हैं इस क्लास को जरूर कर लीजिए बाकी शेयर और लाइक करते चलिए सभी लोग जल्द ही हमारी मुलाकात पुनः होगी कल एक मोटिवेशनल क्लास लेंगे और फिर परसों से हम अपने सिलेबस में कुछ नई चीजों को जोड़ेंगे तो सभी को बेस्ट ऑफ लक रिवीजन करते चलिएगा पढ़ते चलिएगा बाय